ये इसमें सो गाइस इसमें जीड़े वीड़े गिर चुके हैं, ये मैं घर से गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस कैसे आप सब लोग, मैं बहुत ही बढ़िया हूं, फुल ऑफ से बैठ चुका हूं। सो गाइस अभी मॉर्निंग का टाइम है और सुमित हमारे घर आ चुका है। सुमित काफी दिनों बाद आया, हाउ आर यू सुमित? बढ़िया भाई, और ये बढ़िया ही रहता है। इतना हल्का कहाँ से मिल गया तुमको? नीम वाले पेड़ से। इतना भारी कहाँ से लाया तुमने? इतना भारी मेरे हाथों में नौनो चूड़िया। नहीं ये कड़ा नहीं पहनना चाहिए, बहुत ज़्यादा हैवी होता है, इससे पतला वाला। मैं भी एक बार शौक शौक में ले आया था सेम, इतना ही भारी मेरे पास भी। लड़ी का इधर स्कूल में अलाउ कर देते हैं, छुपा के लेना पड़ता है। ठंड का टाइम है ना, तो कोट जो होता है ना, नहीं उसके अंदर डाल लेते। नहीं सर बोलते लेके आ सकते हो, लेकिन हाथ में पहना हुआ दिख गया तो छीन लूंगा। अब जेब में रख लेते हैं। बेल में जेब में रहता बहुत ही, जेब में ही रहता है। बुद्धि बहुत तेज है तुम्हारी। अमित को भी लाया, में काम आता होगा सर्कल बनाने में। कंपास लाना मना करते हैं स्कूल में, इसी से कंपास बनाते हैं। एक बच्चे ने कंपास से एक बच्चे का यही पूरा काट दिया। अच्छा फिर ये लाने लगे तुम? काट दिया एक हमारे क्लास का एक लड़का, पूरा याद है ना, काट दिया। जिंदा है? हॉस्पिटल में अभी भी एक हफ्ता हुआ है। अब सो गाइस देखो आजकल के बच्चे कितने जालिम हो गए हैं। वो बच्चे ने जालिम लगे, मैं अच्छा बच्चा हूँ। ये राज दुला रहा है, ये नो भी सूखे हैं। इसकी मम्मी इसको प्यार से बाबू बाबू कह के बुलाते हैं। ये हमारे घर के जस्ट पीछे ही रहते हैं, लेकिन हमारे लिए मेहमान ही है ये। दिनों बाद आया। सो गाइस अभी टाइम हो रहा है 4:21 और अभी ऊपर से बहुत सारे लड़कों भी जाने की आवाज़ आई है, फिर जाकर चेक करते हैं कौन गया ऊपर। सो गाइस निखिल वगैरह, निखिल वगैरह ना हमें पूरी तरह सरप्राइज कर दिया है। तो ये चारों बंदे आए और मैं पूरा सरप्राइज हो गया था गाइस लेट। सो गाइस अभी आरओ में एक दिक्कत चल रही थी, सो ये अमेजोन से मैंने परचेज किया था, ये वाटर ओवरफ्लो का जो मैंने पुरानी वीडियोस में बताया होगा, ये मैं आपको फिर बता देता हूँ जो बंदे नए हैं। सो आरओ फुल हो जा रहा है तो पानी ओवरफ्लो हो रहा है, यहाँ से ऑटोमेटिक जो कट हो जाता है इसका सप्लाई वो कट नहीं हो रहा। सो ये चेंज करने के लिए बोला था, सो आरओ वाले भैया आ नहीं पा रहे थे, सो मैंने अमेजोन से मंगा लिया और इसे अब उतार के चेंज करते हैं। सो देखते हैं कि वर्क करता है कि नहीं, सो चेंज करते हैं। सो वैसे नेट खोल लिया हमने, इसका ये ऊपर वाला वो जो पार्ट दिखाया था ना वो ये वाला है, इसे ही रिप्लेस करना पड़ेगा। सो चेंज करते हैं इसे, खराब कर दिया। सो गाइस एक दिक्कत हो चुकी है, मैं सोचा था कि मैं सही कर दूंगा, लेकिन एक्चुअली वायर ही टूट गई है। अभी जो यहाँ पे पता नहीं कौन से वायर में कनेक्ट थी, अंदर से मैंने हल्के से कैची वायर, वायर ही टूट गई। आर वाले को कॉल करना पड़ेगा, ये फंस गया सी है। मैं सोच रहा था कि मैं सब चेंज कर दूंगा, पापा बोलेंगे अरे गाइस सही हो गया, मैं बोलता कि मैंने कर दिया तो यार अब तो पोपट हो गया गाइस। लेकिन अब देखते हैं वायर लगी कहाँ पे, पता नहीं, मुझे पता नहीं चला। आसमान की ऊंचाइयों में कोहरा ही कोहरा, और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में सब भयंकर कोहरा हो चुका है दिल्ली का।
पानी भी नहीं ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे, तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा बाहर का मौसम, आप देख सकते हो। तो गेट बंद कर देता हूँ, काफ़ी बहुत ठंड अंदर भी आ गई है। मौसम काफी खतरनाक हो चुका है, सो हम घर में ही बैठते हैं। तो देखा तूने बाहर कितना ज्यादा कोहरा है। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। सो गाइज, यहाँ पे सुमित और अमित और गोलू और निखिल हम सब रेडी हो चुके हैं, क्योंकि हमारा आज इनविटेशन है, बर्थडे पार्टी है। सो खाना भी लिया है, सो बर्थडे पार्टी है वहीं पे, हमारा खाने का ही प्लान है रात का। सो अभी जाएंगे थोड़ी देर में, वहाँ पे मैं व्लॉग नहीं बना पाऊँगा क्योंकि यार वहाँ पे अच्छा ही लगता है बनाने में। और जहाँ तक है निखिल और उसके दोस्त वगैरह आ रखे हैं, तो हम ऊपर में ही बनाने वाले हैं खाना आज, तो वो भी दिखाऊंगा। अरे कहना क्या चाहते हो? तो गाइस पापा ऑफिस से आ चुके हैं और गोलू पापा वाले चाय बना रहा है, मम्मी जा रखी है जो बर्थडे बताया था वहाँ पे जा रखे हैं। अभी मैंने इसमें इलायची डाली, मुंबई का सुमित, मुंबई का सुमित। सुमित देख ही रहा हूँ, अब क्या दिखा रहा है तू? सर दिखा रहा था। क्यों? चल सुना दे गाना। तो भाई सुमित डांस बहुत अच्छा करता है, किसी ने आपको डांस दिखाऊंगा सुमित का। मस्त डांस करता है ना अमित? हाँ, जब वो नशे में रहते तब। तो भाई अब नमक ले रहा हूँ, एक हाथ से मैं वीडियो ही बना रहा हूँ और कट रहा हूँ तो बन नहीं पा रहा। तो भाई इसमें लगा पड़ा हूँ तैयारी करने में, ये मैंने छोटे छोटे वो पूरी बोल सकते हैं ये रेडी कर लिए हैं। ये मसाले हैं, हल्दी मिर्च दही, जो कि इन बॉक्स में से मैंने ले लिया है। और इसमें ले लेता हूँ ऑयल, बाकी सब्जी वगैरह ले गए हैं निखिल ऊपर। सो ऊपर आज हम खुद कुकिंग कर लेंगे और वहीं पे खाना बनाएंगे और वहीं खाएंगे। मम्मी और गोलू वगैरह तो जा रखे हैं, जो बर्थडे पार्टी बताई थी आपको वहाँ जा रखे हैं। सो हम खुद ही कुकिंग करने वाले हैं, सो हम खुद बना के खाएंगे। सो बाकी सारा सामान ले लिया, और छोटा वाला गैस है वो मैं अपने दोस्त के पास रखा हुआ था, वो भी ले आया हूँ। सो उस पर ही बनाएंगे, सो सामान लेते हैं फिर चलते हैं ऊपर, फिर आपको दिखाता हूँ। गाय आई एम लिटरली शॉक कि शुभम में इतना चेंज कैसे हो गया। सो गाइस आज हमारी छोटी सी पिकनिक हो जाएगी, हमने गैस यहाँ पे रख लिया है प्यार। अब ये इसमें सो गाइस इसमें जीरे वीरे गिर चुके हैं, ये मैं घर से। सो यहाँ पे ऑयल है, ये प्याज वगैरह कट रहे हैं अभी। सो इसमें बनाएंगे हम मस्त खाना। गाइस आज बटर पनीर मैं बना रहा हूँ। सभी तो रेडी है, क्या बात है। सो गाइस खाना पीना डन हो चुका है और अंदर बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है, इसलिए बाहर आके वीडियो एंड कर रहा हूँ। सो इस वीडियो करता हूँ यहीं पे, है ना, मिलता हूँ कल आपसे एक और बेहतरीन ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, अगर वीडियो अच्छी लगे तो